दोस्तों फाइनली अब अलमीरा असेंबल हो रहा है, बहुत जल्दी ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा हो चुका है और पूरा बन जाने के बाद इतना शानदार दिख रहा है ये, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका इस ग्रोक स्टार के चैनल पर। और आज मैं इसलिए खुश हूँ, एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक अलमीरा ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं ढूंढ रहा था कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो फोर डोर्स का यानी कि चार दरवाजे का एक अलमीरा मैंने ऑर्डर किया था और वो आज आ रहा है। साथ ही साथ असेंबल करने वाले भी आ रहे हैं क्योंकि वो अलमीरा मतलब खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैक आ रहा है, वो अलग अलग पार्ट्स में आते हैं और उनको असेंबल करके फिर रूम में सेट करना पड़ता है। तो चार दरवाजे का अलमीरा है, काफ़ी बड़ा अलमीरा है, वो अकेले होगा भी नहीं। तो असेंबल करने के लिए दो लोग आ रहे हैं, तो उसका भी वीडियो बना करके मतलब उसका एक शानदार वीडियो बना करके कि कैसे असेंबल कर रहे हैं और वो उसका लुक कैसा है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर वो अलमीरा है कैसा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये चार दरवाजे का अलमीरा है, आप देख सकते हो कि चार दरवाजे यहाँ सामने रखा हुआ है और इन सब पर इन्होंने स्क्रू वगैरह के जो भी सिस्टम है वो तैयार कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ फिट करना है, क्योंकि इतने ही काम में इन्हें करीब करीब घंटा भर लग गया। यानी कि जो बेस का काम होता है ना, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगा इनको, कहाँ पर स्क्रू लगाना है, कहाँ पर मतलब इसको टाइट फिटिंग के लिए किस जगह पर पिन वगैरह लगाने हैं। आप जैसे देखो कि सारे यहाँ पर लगा चुके हैं और ये ऊपर से ठोक करके इसको यहाँ सेट करेंगे और स्क्रू ड्राइवर से हम उसे टाइट कर देंगे। और बाकी जगह आप बाकी जगहों पर भी देख रहे होंगे कि कील जैसा लगा हुआ है, तो इसमें ही इन्हें सबसे ज़्यादा वक्त लगा। साथ ही साथ हमें इसे ये अब पीछे की तरफ का ये सीन है जो ये लगा रहे हैं, ये दीवार की तरफ चला जाएगा। सारा का सारा फिटिंग कंपनी के तरफ से आता है और ये ऑलरेडी इसमें मार्किंग बने होते हैं। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो कि छोटे छोटे ना स्क्वायर फॉर्मेट में कागज़ है और कागज़ पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, जिससे यहाँ पर एक पूरा का पूरा मैनुअल देख करके मैनुअल में लिखा रहता है कि किस जगह पर कितने नंबर से कितने नंबर को मिलाना है जिससे कि अलमीरा असेंबल हो जाएगा। अगर वो मैनुअल गुम हो गया तो ये असेंबल में दिक्कत करेगा। तो आप देखो जैसे यहाँ पर बीच पर एक लकड़ी लगा हुआ, प्लाई लगा हुआ है और इन सब पर कोई ना कोई पिन लगे हुए हैं और ये पिन में ही जा करके ये बाकी जैसे आप देख रहे हो ना, पिन में ही ये सेट हो गए और एक पिन से दूसरे पिन में बाकी सेट हो जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा अलमीरा एक दूसरे को सपोर्ट करने लगता है। यानी कि हर एक लकड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। यहाँ तक ये बन करके तैयार हो गया है और पहले शुरुआत में तो आपको लगेगा कि प्लाई इस ऐसा है, पता नहीं कैसा मजबूत होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो है एक दूसरे के साथ जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं तो फिर ये प्लाई और मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और करीब करीब देखा जाए तो 150 किलो के आसपास इसका वजन भी होता है। ये पिन है जो दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो और ये रहा ये मतलब जिससे दरवाज़ा अटैच रहेगा, इसे भी ढीला कसा हुआ, जिससे कि जब दरवाज़ा लगाएंगे ना तो ये इसे टाइट कर देंगे और उसके बाद दरवाज़ा भी फिट हो जाएगा। यहाँ देखिए दरवाजे, ये लॉक सिस्टम भी आता है इसमें ऑलरेडी, लॉक के लिए इसमें अलग अलग चाबियाँ भी बनी हुई है। और ये है वो पोर्शन जो जा करके उसे कनेक्ट हो जाएगा और ये दरवाज़ा मतलब खुलने बंद होने लगे, इसी में जुड़ेगा। ये इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय लग गया है। इन्होंने कहा था कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये 3 घंटे लग चुके हैं और इतना अलमीरा बन गया है। बोल रहे कि दो फ्लोर, ये दो दरवाजे वाले बनाने में करीब 2 घंटा लगता है और ये तो चार दरवाजे वाले हैं, तो इसमें करीब करीब 3.5 घंटे का समय लगा है। और मैं भी इनके साथ साथ ये वीडियो बनाते रहा, आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स बने हुए हैं, कपड़ा से लेकर के मेरे इलेक्ट्रॉनिक का सामान और पेपर वगैरह। यहाँ पर ड्रॉर भी है, इसमें हैंगर वगैरह है, कोट वगैरह मतलब ब्लेजर वगैरह भी टांग सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसे मंगवा करके, क्योंकि इसको रखने के बाद ना मुझे छोटे मोटे और भी अलमीरा टाइप में ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारा सामान इसमें आ जाएगा। ये सोच करके मैंने मंगाया था कि दो दरवाजे का मंगाने से अच्छा कि चार दरवाजे वाले मंगा रहे। आप देख सकते हो इन्होंने खड़ा कर दिया है इसको, अब सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा लगाने की बाकी है। तो ये मैंने कहा था ना, देखो वो दरवाज़ा किस तरीके से सेट हो रहा है, इसी तरीके से दरवाज़ा लग जाएगा और ये चार दरवाजे वाले अलमीरा बन करके तैयार हो जाएगा।
अलग अलग दरवाजे पर भी सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा दरवाजा किसका है, नहीं तो इधर उधर लग जाने पर ये सेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि छोटे मोटे जो भी पिंस होते हैं उन सबको मैनुअल देख करके इन्होंने सेट किया, और अब जा करके एक दरवाजा लग चुका है और ये दूसरे की बारी है। दूसरे में भी सब पर जो भी एक छोटे से भी जो लकड़ी है ना उस पर भी एक मतलब सीरियल नंबर दिया हुआ है कि ये सीरियल नंबर इसके साथ ही लगाना है। और ये जो ऐसा सिस्टम है कि आप इसको चाहे तो ढीला कर सकते हो या टाइट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बिल्कुल एडजस्टेबल है, बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा वजन भी नहीं है इस अलमीरा का, और ऐसा भी नहीं है कि कमज़ोर है, बहुत अच्छा लास्टिंग कर, आप देख सकते हो खोलने बंद करने में बहुत फ्लेक्सीबल है। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे खरीद करके, आप भी चाहे तो ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है इसीलिए मैं इसका लिंक वगैरह कुछ नहीं दे रहा, ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कि अलमीरा यहाँ पर हमने सेट कर दिया, ऊपर मैंने रजाई भी रख दिया। अब आप बोलोगे कि यार मतलब कोई सामान रखने का ढंग ही नहीं है ना, एक्चुअली जगह कम है ना अभी, तो ये धीरे धीरे एडजस्ट कर देंगे। अब इसकी हाइट आप देख सकते हो, मैं यहाँ आ रहा हूँ, यानी कि ये करीब करीब छः फीट से ज़्यादा है, ये करीब 6 फीट 6 इंच के आसपास का ये अलमीरा है। और इसको आप एक बार क्लोज से देखिए, ये करीब छः, ये 4 डोर है इसमें, अलग ये अलग ये अलग ये अलग। अब वो तो आपने देख ही लिया शुरुआत के वीडियो में, अब ये कैसा लग रहा है ये मैं आपको दूर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए खिड़की के बराबर का ये करीब करीब ये अलमीरा है, और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी ऑर्डर कर सकते हो। बहुत मतलब अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लास्टिंग भी है, साथ ही साथ इसको 2 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग गारंटी है। अगर 2 साल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी आकर के फ्री में इसे मतलब रिपेयर करके जाएगी, फ्री में बना करके जाएगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।